बात हुई, न किसी बिचौलियों की सहायता लेता, न अखबार की, न टीवी की, न बाजार की। अपने दम पर यह हर उस जगह नजर आता है जहां भारत का तिरंगा चला जाता है। जहां जहां जाता है आरसीएम, उस जगह खुद ब खुद बिना बिचौलियों की सहायता के पूछ में अपने आप पहुंच जाता है। लेकिन ये ज्यादा वीआईपी लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको तो बातें डायरेक्ट समझ में नहीं आती। टीवी में खबर आए तो उनको बात समझ में आती है, अखबार में खबर छपे तो वीआईपी को बात समझ में आती है। लेकिन उनको क्या पता कि ये बाजार और टीवी और अखबार में दिखाई नहीं देता, ये किसी होल्डिंग और माधुरी और ऐश्वर्या की जुबान पे दिखाई नहीं देता, ये टीवी वालों की चर्चाओं में दिखाई नहीं देता, लेकिन इन दिल वालों के दिलों में दिखाई देता और इस जहां में ये दिखाई देता। जो इन मीटिंगों में आता वो इसको समझ पाता, जो इन मीटिंगों में आता वो इस बिजनेस को समझ पाता, और जो टीवी में इसको ढूंढता वो टीवी का टीवी बन जाता। तो ये बिजनेस एक बदलाव की बयार है, और मैंने इस बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीरों को और तस्वीरों को देखा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार नहीं, लाखों लाखों लोगों की जिंदगी में आते हुए उस बदलाव को मैंने बहुत करीब से एक जगह पर नहीं, यानी मेरा आशय है कि आप जैसे ही लोगों को, आप ही की तरह के लोगों को, आप ही के बैकग्राउंड के लोगों को, आप ही के जैसे लोगों को मैंने इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से कामयाबी की बुलंदियों को छूते हुए देखा है। एक बार नहीं, मैंने तो इस बिजनेस के माध्यम से उन महिलाओं को जो कभी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, पूरे हिंदुस्तान की लीडर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने उन लोगों को जिनके खुद की टांगे नहीं थी, दुनिया को चलाते हुए देखा है। जिनके अपने हाथ नहीं थे, उनको दुनिया का सहारा बनते हुए मैंने देखा है। जिनको शनि लगे हुए थे, इस सिस्टम की ताकत से मैंने उनको दुनिया के शनि उतारते हुए देखा है। जो कर्जों में डूबे हुए थे, उनको दुनिया का कर्ज उतारते हुए मैंने देखा है। इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से मैंने बिना पढ़े लिखे लोगों को दुनिया को पढ़ाते हुए देखा है। और इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से मैंने डॉक्टरों को डबल डॉक्टर बनते हुए देखा है। मैंने शरीर के डॉक्टरों को गरीबी का डॉक्टर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस की ताकत से मैंने इंजीनियरों को गरीबी का इंजीनियर बनते हुए देखा है। और इस बिजनेस की ताकत से मैंने हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर को देखा है। लेकिन मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार देखा है, लेकिन लोगों की ना को हां में बदलते हुए भी मैंने देखा है। लोगों के ना ना करते हुए भी इस बिजनेस से प्यार करते हुए मैंने देखा है। और कपड़े नहीं बदलने की कसम खाने वालों को इस बिजनेस के सूट बूट पहनने की ताकत में आते हुए मैंने देखा है। और धोती वालों को, अपनी धोती और कमीज में चलने वालों को आरसीएम के सूटेड बूटेड पोजीशन में आते हुए मैंने देखा है। और रोडपतियों को करोड़पति बनते हुए मैंने देखा है। इसी बिना पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज आप कौन हैं, कहां से आए, कितनी दूर से आए, कितने पास से आए, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, गांव के हैं, शहर के, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, जवान है। मैंने तो इस बिजनेस की ताकत से बचपन वालों को बचपन के जोश में आते हुए देखा है, और बचपन वालों को जवानी की कामयाबी की बुलंदियों को छूते हुए देखा है। इस बिजनेस की ताकत को मैंने देखा है। इस बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर को मैंने देखा है। और इस बिना पर मैं आप लोगों के साथ जो बात करना चाहता हूं कि मैंने आज आपको, हम लोगों ने आज आपको कामयाबी के लिए बुलाया है। आप यहां पर कामयाबी के साक्षात दर्शन करेंगे, आप कामयाब लोगों से रूबरू मिलेंगे, कामयाब लोगों की कहानियां सुनेंगे। लेकिन ये जो अंदर की दुनिया है, ये पॉजिटिविटी की दुनिया है, ये उजाले की दुनिया है। लेकिन जब आप यहां से बाहर निकलोगे तो वो अंधेरे की दुनिया है, वो नेगेटिविटी की दुनिया है। वहां इस बिजनेस के बारे में आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी गलत फहमियां सुनने को मिलेगी। इसलिए एक बात आज यहां से जो मैं आपको कहना चाहता हूं उसको अपने दिल में उतार के ले जाना, और अपने कानों को इजाजत दे देना कि आपके कान में पिघल के शब्द जाए और आपके दिल में वो चिपक जाए। क्योंकि मैं जो बात कहना चाहता हूं वो शायद दुनिया में आपको किसी ने कही ना हो, आपकी अपनी मम्मी भी शायद आपकी कामयाबी पे उतना